हेलो क्लास सेवेंथ, लास्ट क्लास में हमने किया था आपकी एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ योर एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1A। ओके ओके क्लास सेवेंथ, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर ए। तो क्या है क्वेश्चन? द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर ए एंड -6 इज 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या करना है, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, यानी कि डिफरेंस का मतलब ये सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड होगा, इतना हमें पता चल गया। तो द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर ए, यानी कि हमारा इंटीजर क्या है, कोई भी है। जैसे हम अब तक एक्स मानते आए थे, ऐसे ही हमने मान लिया कि कोई इंटीजर ए है। एंड -6, यानी कि -6 और ए का जो डिफरेंस आएगा वो होगा किसके वैल्यू के बराबर? 4 के बराबर, राइट? तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? 4 के बराबर। अब पूछ क्या रहा है हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो देखिए इक्वेशन कैसे बनेगी। सबसे पहले डिफरेंस बोल रहा है, डिफरेंस मतलब माइनस, किसका माइनस? ये और ये, यानी इन दोनों का डिफरेंस। तो ए डिफरेंस यानी माइनस, और किसका है? -6 का। क्या मिलना चाहिए हमें? 4। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए अब देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सीधा इसको यहां ले जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको ब्रैकेट प्रॉपर यूज करना है, पहले यहाँ के साइन सॉल्व करने हैं, उसके बाद ही आप इस तरफ जाइए। जैसे कि नेगेटिव नेगेटिव साइन हो गया पॉजिटिव, राइट? ए इज इक्वल टू 4 - 6। ए इज इक्वल टू, देखिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, अपोजिट साइन हो गए, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन लगाते हैं बड़े वाले का। तो इसमें बड़ा क्या है, 4 या 6? ऑफकोर्स 6 है। 6 का साइन क्या है बताइए? माइनस। तो यहां पर हमने क्या लगा दिया? माइनस का साइन। ये आ गई ए की वैल्यू। अब हम लोग यहां पर नहीं छोड़ेंगे, हम क्वेश्चन को स्टेटमेंट भी पूरा लिखेंगे इस क्वेश्चन का। तो क्या लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ ए इज -2। ओके, कोई डाउट तो नहीं है? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, और यू कैन ऑल्सो पोस्ट योर डाउट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, राइट? चलिए ये वाला क्वेश्चन कर लिया हमने, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। सो राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हूज सम गिव्स। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करके दिखाऊंगी, बाकी पार्ट आपको खुद करने हैं। तो देखिए इसमें हमें पेयर बताने हैं ऐसे इंटीजर्स के जिन्हें जिनका सम आए। तो जिनका सम क्या आए? सबसे पहले आए 0। सबसे पहले क्या आए? 0। तो देखो अगर कोई भी दो वैल्यू ऐड करेंगे, अब आप ये बोलोगे कि मैम दो वैल्यूज को ऐड करके कैसे आ सकता है 0? तो बिल्कुल आ सकता है 0। किस कंडीशन में आ सकता है? जब वैल्यूज न्यूमेरिकली तो सेम हो, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम हो, पर उनके साइन क्या हो? अपोजिट हो। कैसे हो ये देखिए जरा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4 और यहाँ पर लिखूं 4, अगर मैं इसे कर दूं नेगेटिव और इसे कर दूं पॉजिटिव, तो देखिए जरा साइन अपोजिट हो गए, अपोजिट हो गए ना साइन। जब साइन अपोजिट होते हैं तो हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। ये हमारा आंसर क्या आ गया? 0। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि -10 + 10, तो बताइए इसका आंसर भी 0 आएगा। तो
तो इससे हमें क्या पता चला कि वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू अगर सेम हो पर साइन अपोजिट हो तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ सकता है, जीरो। ठीक है, अब इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे, जैसे कि आ नेगेटिव इंटीजर, कोई डाउट है? सोचो। चलो इस वाले को और मैं करके दिखाती हूँ। अगर आपसे बोला जाए कि आपको करना है अ नेगेटिव इंटीजर, आपको चाहिए नेगेटिव इंटीजर, यानी कि आप कोई भी वैल्यू लो, कुछ भी करो, पर उन दोनों को जोड़ के वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर लिखूं 10 और यहाँ पर लिखूं 8, ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपका ये 10 है और दूसरी वैल्यू ले लूं नेगेटिव 8 और इन दोनों का अगर मैं सम निकालूं तो क्या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, बताइए। 10 प्लस माइनस माइनस 8 2 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये हमें निकालना था नेगेटिव और ये आ रहा है पॉजिटिव। लगाओ दिमाग, और दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, बताइए। अब आ जाएगा ना, ये माइनस का 10, ये प्लस का 8, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 और साइन आएगा इसका, तो ये क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव इंटीजर आ गया। ठीक है, देखिए पहले मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड करके देखा, मैंने दो वैल्यूज ली, उनको सॉल्व करके देखा, आंसर आया पर वो पॉजिटिव आया, हमें चाहिए था नेगेटिव, इसीलिए मैंने इसके साइंस को अल्टर कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें आपको करके देखनी है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है जो कि आपको ट्राई करना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 ट्रू एंड फॉल्स है, वो आप लोग खुद करेंगे। ओके, तो अब हम लोग जो प्रॉपर्टीज है उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी आप लोग इतना वर्क कंप्लीट करिएगा और मुझे व्हाट्सएप करिएगा। ओके, टिल देन बाय।